गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैं आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ा रहा था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, उसमें जो कॉमन रूल्स होते हैं या जनरल रूल्स होते हैं उनको मैंने बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको एक टेबल बताई थी, सारणी, चार्ट। उस चार्ट के माध्यम से बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल ढंग से एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। उस टेबल की स्टडी कैसे करते हैं उसके बारे में अब मैं आपको आगे बताता हूं। लेट अस स्टार्ट। दिस इज अ चार्ट। ये चार्ट है, इसमें 12 टेंसेस की एक्टिव वॉइस की सभी प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बताया गया है और उन्हें पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे उनकी प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बताया गया है। लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक्टिव वॉइस बता दिया था, इनकी पैसिव वॉइस भी हमने बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव, एक एग्जांपल लेते हैं। आई रोट ए नावेल। आप इसमें देख रहे हो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब जब हम इसको पैसिव वाइज बनाएंगे तो मैंने बताया था सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो वहां पर ऑब्जेक्ट है अनावेल, तो यहां हो जाएगा अनावेल वाज। आप इसमें ऑक्सिलरी या सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे, वाज रिटन बाई मी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया वाज वेयर का प्रयोग होता है, कॉमन हम बाई का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड का फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव हम देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया वाज और वेयर का प्रयोग होता है।